जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वैशाख मास का गंगा स्नान जो कि कब से प्रारंभ किया जाएगा वर्ष 2023 में, और वैशाख मास गंगा स्नान के महत्व के बारे में जानेंगे। इस दौरान क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन चीजों का दान करना चाहिए और किनका पूजन करना चाहिए, चैत्र पूर्णिमा जो कि कब से आरंभ है और किस दिन से वैशाख माह के लिए गंगा स्नान प्रारंभ किया जाएगा, तो आइए जानते हैं संपूर्ण पूजन विधि के बारे में, वैशाख मास गंगा स्नान के महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में हर तिथि का, हर पक्ष का, हर दिन का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। उसी प्रकार से जो कि वैशाख मास में गंगा स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जिस प्रकार से कार्तिक के महीने में और माघ के महीने में गंगा स्नान करने का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार से चैत्र शुक्ल पूर्णिमा से वैशाख शुक्ल पूर्णिमा तक प्रतिदिन अगर प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व किसी तीर्थ स्थान, नदी, कुआं, बावली, सरोवर अथवा अपने घर पर ही शुद्ध जल से स्नान करें और नृत्य कृत्य करते हुए अपने इष्ट देवता का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जो भी वैशाख महीने में गंगा स्नान करने वाले हैं, उन्हें जो कि चैत्र पूर्णिमा से लेकर के वैशाख पूर्णिमा तिथि तक गंगा स्नान जो कि सूर्योदय से पहले ही कर लेनी चाहिए। उसके बाद फिर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, अपने इष्ट देवता का पूजन करना चाहिए और भगवान विष्णु का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए, और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का जप करना चाहिए, या हरे राम इन मंत्रों का यथाशक्ति जप करके अगर एक बार भोजन करते हैं 31 दिन तक, ऐसा क्रम करने से अनेक प्रकार के रोग और दोष दूर हो जाते हैं एवं प्रभाव तथा पुण्य बढ़ता है और व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। जो भी वैशाख माह में गंगा स्नान करने वाले हैं, उन्हें इस दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, भूमि पे शयन करनी चाहिए, इस दौरान जो कि तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए और प्रत्येक दिन वैशाख के महीने में सूर्योदय होने से पहले ही स्नान कर लेनी चाहिए, भगवान सूर्य देव को अवश्य ही अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु का पूजन जो कि इस दौरान भगवान का जल से, पुष्प से, तुलसी दल से, तिल से पूजन करके धूप दीप दिखा करके भगवान को नैवेद्य अर्पित करनी चाहिए, और इस दौरान जो कि वैशाख मास महात्म्य कथा का अवश्य ही श्रवण करना चाहिए, और वैशाख के महीने में जो कि जल दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, तो जल का अवश्य ही दान करना चाहिए, साथ में अन्न, वस्त्र, भूमि, गौ, स्वर्ण आदि का जो भी आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार अवश्य ही दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। अगर आप सब विशेष प्रकार से वैशाख मास महात्म्य कथा को सुनना चाहते हो तो उसका वीडियो जो कि आप प्रत्येक दिन 6 अप्रैल से जो कि माघ मास महात्म्य कथा को श्रवण कर पाएंगे, तो आइए जानते हैं वर्ष 2023 में वैशाख में गंगा स्नान कब से प्रारंभ किया जाएगा। वैशाख मास गंगा स्नान के लिए जो कि चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन से ही स्नान प्रारंभ करनी चाहिए, तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय जो कि 5 अप्रैल 2023 दिन बुधवार सुबह 9:21 और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी जो कि 6 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार को सुबह 10:06 पे। तो जो भी पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करने वाले हैं, तो पूर्णिमा का जो व्रत रखा जाता है वह व्रत जो कि चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है, तो जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं वो सभी 5 अप्रैल 2023 दिन बुधवार को व्रत धारण करेंगे, भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे, चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करेंगे, और जो भी गंगा स्नान और दान करने वाले हैं वो 6 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार को स्नान दान की पूर्णिमा है, और इसी दिन से जो भी वैशाख महीने में गंगा स्नान करने वाले हैं वो सभी 6 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार से लेकर के
5 मई 2023 तक वैशाख महीने की गंगा स्नान करेंगे और इस दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए धर्म का आचरण करते हुए अगर गंगा स्नान करते हैं, इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं तथा सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि हनुमान जयंती भी मनाई जाती है, तो हनुमान जयंती जो कि जो भी हनुमान जी का पूजन करने वाले हैं, हनुमान जयंती में पूजन जो कि 6 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाएगी और इस दिन हनुमान जी का पूजन किया जाएगा। वैशाख के महीने में गंगा में स्नान करना और तीर्थों में जाकर के स्नान करने का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को माता का पद दिया गया है। यह देव नदी भी मानी गई है क्योंकि पौराणिक मान्यताओं में गंगा जो कि स्वर्ग से भूलोक में जगत कल्याण के लिए राजा भागीरथी के घोर तप से आई। इस दौरान गंगा के अलौकिक वेग को भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में उन्हें समेट लिया। यही कारण है कि युग युगांतर से गंगा पावन और मोक्ष देने वाली मानी जाती है। यही कारण है कि धर्म में आस्था रखने वाले अनेक लोग गंगा स्नान की गहरी चाहत रखते हैं। खास तौर पर कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में और वैशाख के महीने में अगर गंगा स्नान करते हैं तो व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।